श्रीनगर के लिए। अच्छा हमने श्रीनगर के लिए निकलना है। हाँ कितना ऑसम। चलो वो टुकुत जसकीरत फुफड़ की सेवा करिए। ये है लंगर हॉल ऋषिकेश गुरुद्वारा साहिब का लंगर हॉल। ये आप व्यू देख सकते हो कितना अमेजिंग है। हमने एक्चुअली उस पहाड़ जाना है ऑलमोस्ट। सो देख सकते हैं आप कितना सुंदर बना हुआ है गुरुद्वारा, कितना सुंदर गाइस देख सकते हैं आप। सो ये एंट्री करते हैं लंगर हॉल। लंगर चक्कर के हम चल रहे हैं बाहर निकलना श्रीनगर के लिए। अच्छा हमने श्रीनगर के लिए निकलना है, वहाँ पे रूम देंगे ठीक है। यहाँ पे अगर रुकना है तो यहाँ पे रूम मिल जाएगा, वहाँ का लेना तो वहीं जाके होगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे रुकना तो फिर यहीं से निकलते ही है ना। हाँ वहाँ पे इजीली मिल जाएगा, लेकिन क्या टाइम है 7:30 तक वहाँ पहुँच जाओगे तो हमें जल्दी जल्दी निकलना, लेट नहीं है। ठीक है ऋषिकेश गुरुद्वारे का मतलब एक्सट्रीम करके कि ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। ठंड तो है ही नहीं, गर्मी बहुत है, गर्मी है बहुत ज्यादा। हाँ गर्मी तो काफी ज्यादा है। ऋषिकेश का सरोवर है। यस अमेरिकन बीच भी है ऋषिकेश का सरोवर है। यहाँ पे अमेरिकन बीच भी है, कनाडा की है। ये है रजिस्ट्रेशन काउंटर। जो लोग मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं या जिन लोगों को लाइक नहीं आता है रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराना, सो ये फिजिकली इन लोगों के लिए काउंटर बना रखा है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो मस्ट होती है यहाँ आने से पहले, जब भी आप निकल रहे हो यात्रा पे। सो यहाँ आके ऋषिकेश गुरुद्वारे में भी आप करा सकते हो, जैसे हम अपना दिल्ली से करवा के आए थे ऑनलाइन सबका, तो यहाँ पे आके भी सब लोग करवा सकते हैं जो नहीं करवा के आया है, जो भूल गया करवाना। क्या है ट्रक पर लटका हुआ? हाँ जाम हो गया, लेकिन जाम हो गया शुक्र आ गया। यहाँ पे दो नदियों का संगम होता है। हम जाता तो लेट हो गया, हाँ सनलाइट होगी खत्म है ना, सनसेट हो गया ना, तो अभी है ना देख ही नहीं रहा अभी कुछ, दोनों का ना संगम होता है दिख नहीं रहा। हाँ बट गाइस आप व्यू देखो यार, मतलब आप व्यू एंजॉय कर सकते हो। व्यू कितना अमेजिंग है, वो दो नदियां आ रही है ना वहां से, बट कलर पता अलग अलग दिखता है वैसे। मैंने जब वापसी में दिखाएंगे, हाँ फिलहाल ऐसे दिखा दो हाँ, बट व्यू बहुत अच्छा है यार, व्यू इज जस्ट वाओ, बहुत अच्छा। ओ मे बी आपको क्लियर हो रहा हो, देख सकते हैं आप गुरुद्वारा श्री गुरु हेमकुंड साहिब श्री मैनेजमेंट ट्रस्ट। ए आ गया साडा श्रीनगर का गुरुद्वारा, फाइनली हम पहुंच गए हैं श्रीनगर गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब। ऋषिकेश से आगे का जो सफ़र है, अब यहाँ पे गुरुद्वारे में हमें जो है कमरा मिल गया है। आप
आपने जैसे कि देखा ऋषिकेश गुरुद्वारे से हम निकले थे श्रीनगर गुरुद्वारे के लिए। सो अगर यहाँ पे कोई भी आता है तो यहाँ पे रूम बुकिंग के लिए आपको यहाँ आना है, हीरा गुरुद्वारा। सो हमें रूम मिल गया है। ओके सो एक ही रूम में सारे आ जाएंगे फर्स्ट क्लास। भाई मेरे को हट कर रहा है। अरे वाह एसी भी लगा हुआ गुरुद्वारे नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। तो आपको श्रीनगर जो ये गुरुद्वारा है हेमकुंड साहब, ये जब आप बुक करते हो रूम तो आपको इस तरीके से सरोपा भी साथ में देते हैं। 1500 का हमें रूम मिला है, राइट 1500 का ना। थक गए सोच कर लिया क्योंकि सुबह से हम लोग आपके आपने जैसे देखा होगा बुरा हाल हुआ पड़ा था, तो फाइनली थोड़ा फ्रेश हो गए। सब रेडी होके नीचे जा रहे हैं डिनर करने के लिए कि फटाफट जाते हैं मार्केट दिखाते हैं आपको वहाँ की यहाँ के श्रीनगर गुरुद्वारे। भाई जी खालसा फतेह, अभी आ गए जी श्रीनगर हेमकुंड साहब ट्रस्ट के अंदर, श्रीनगर गुरुद्वारा दर्शन करन बाबा जी ने। दादी का फोन आया, बता दिया हम कहाँ हैं। हाँ। So guys, देख लीजिए श्रीनगर संगतें आ रही हैं हेमकुंड साहब दर्शनों के लिए। पता है पता है क्योंकि हूँ हो गई है ना। बट टेस्ट कैसा था? टेस्ट एकदम वाहियात था, बहुत ही गंदा टेस्ट था। दाल मखनी ली हमने, धीरे बटर मसाला लिया हमने, है ना, पनीर बटर मसाला लिया है, ऑल दैट। बहुत ही गंदा टेस्ट था। मैंने कभी अपनी जिंदगी में ट्राई नहीं किया। अच्छा नहीं लगा, पापा खाना अच्छा नहीं था पापा। टाइम जो है वो 11-12 बजे तक का है। भाभी ने मैसे डिनर नहीं किया था, वो जा रहे हैं लंगर छकने के लिए। आप देख सकते हो गाइस संगत आनी शुरू हो गई है, सुबह हो गई है और हम ना अपने रूम से बाहर आए हैं और आप अभी देखो सामने का व्यू कितना ऑसम है ना अम्मा। गाइस कितना ऑसम व्यू है ये। हाँ और नीचे का भी अच्छा लग रहा है ना। हाँ कितना ऑसम व्यू है। हाँ लेते हैं चलो। हम लोग सब चल रहे हैं अब नीचे, जो है पैकिंग कर ली है, सब रेडी हो चुके हैं तो हम नीचे उतरे हैं। आपको मैं दिन में सुबह का व्यू दिखाती हूँ श्रीनगर गुरुद्वारे हेमकुंड साहिब का। देख सकते हैं आप हीरा गुरुद्वारा और इतना अच्छा वेदर हो रहा है, इतना अच्छा वेदर हो रहा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी है। और हमने अपने ऊपर के रूम के वहाँ से आपको व्यू दिखाया था नीचे का, ये हम नीचे आ गए हैं जहाँ पे गुरुद्वारा साहिब है, ये देख सकते हैं आप। तो मत्था टेकने चलते हैं हम। सुबह के बज गए हैं 7 और हम आ गए हैं नीचे गुरुद्वारा साहब में श्रीनगर में हेमकुंड गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब जी श्रीनगर। चलो आओ बेटे यहाँ से हम जाएंगे, सामने लंगर आ रहा है,
हाँ चाह लंगर चख लो पहले, ये लंगर हाल है। चलो बेटा पहले चाह लंगर लैके थक के फिर असं बाहर भी चलेंगे। यहाँ पे ऑलमोस्ट 24 घंटे मिलता है ना श्रीनगर हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में, 24 घंटे लंगर चलेगा। ब्रेड पकौड़े, ब्रेड रोल, ब्रेड रोल आ जाओ, जो चाहिए लंगर जो लेना आ जाओ, थोड़ा ग्लास पूरा चाहिए ले तो एक ले लेना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो सर ढक बेटा, फिल्टर वाटर लगा हुआ देख सकते हो, बाथरूम सारी फैसिलिटी है यहाँ पे, और इतना अच्छा रूम हमें मिला है यहाँ पे, मतलब किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी साथ संगत यहाँ पे आ जाए। और अभी बूंदाबांदी भी शुरू हो गई, और ये ना हम ना चाय का लंगर पी रहे हैं। हेलो, और अभी हम ना खुले खुले आसमान में ठंडी ठंडी हवा में गर्म गर्म चाय एकदम दादी के हाथ से, हाँ हमने उस दुकान से खाया है, बहुत अच्छे थे, मतलब थोड़े बहुत आयली भी थे। ये देखो पापा, आनंद आ गया, चाय का लंगर था ना, ब्रेड रोल था, एकदम दादी जैसी लग रही है। हाल साहब पे भाई यहां पे बैठ के नाश्ता लेने की ना वाइब ही अलग है। और तो कैसा स्वाद लग रहा था चाय का, जैसे किसने बनाया? चाय तो ऐसे लग रही है दादी ने आके खुद बनाती है, मेरी दादी ना एकदम सेम चाय उतरती है। और चाय गाइस, चाय ऐसी बनी है कि पिए जाओ पिए जाओ, बिल्कुल शहद। इसे ना बार बार दादी की याद आ रही है, जो चीज खाती है ना लंगर में उसे स्वाद आता है, दादी बनाती है, तो मतलब समझ लो दादी के दर्शन हो गए। हाँ सेम, दर्शन कर लिए बाबा जी। मामी कह रही है ग्लास के अंदर, हाँ बोलो बोलो। मैं कह रही थी चाय पीने का ना इस यहाँ पे बैठ के ना मजा बड़ा है। हाँ है ना, पहाड़ है ना, हाँ यार वो सामने पहाड़ नजर आ रहे हैं, बूंदाबांदी हो रही है, क्या वेदर है। बाबा जी के, बाबा जी का लंगर वैसे इतना टेस्टी होता है ना। ओके बेटा, एक्चुअली दोनों में लड़ाई हो रही है कि कौन किसकी, ये खरीद के लाए, पैकिंग मैंने करी है, अब बताओ लेके कौन आया। अगर लेके आके के खराब करते वापस ले जाते, कमेंट करके बताओ। अगर फुफड़ जी खाते ना तो क्या करते, खराब जाता ना वापस जाता। बाबा जी ना बाबे वही ये वो बात मैं कह रहा हूँ, इस बंदे को देखो, तुमने मुंह पे ताला लगा दिया, बोलेगा नहीं, देख लो तुमने मुंह पे ताला लगा दिया, बोलना नहीं है। शादी के बाद यही होता है, आगे हमारा लगेज रूम से हम ले आए सारा, तो गाड़ी आ रही है हमारी, देखो आप पीछे देख रहे हो गाइस, अब हम जो है श्रीनगर गुरुद्वारे हेमकुंड साहिब से जा रहे हैं, निकल रहे हैं। अब हम कहाँ जाएंगे भाभी, क्या है गोविंद, अब हम गोविंद घाट जाएंगे, गोविंद घाट जाएंगे। सो अब मेरे को लग रहा है ब्लॉग का एंड कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया, ऋषिकेश टू श्रीनगर गुरुद्वारे का काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, यहाँ से हम चेकआउट कर रहे हैं। सो स्टे ट्यून, बने रहिएगा ब्लॉग में, पार्ट 3 देखना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपको वहाँ का वेदर अपडेट देते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। गैस यहाँ पर तो बारिश हो रही है आप देख रहे हो, सो वेदर अच्छा हो गया, कूल हो गया है, सो स्टे ट्यून।